बढ़ते कंपटीशन के बीच में अच्छे टैलेंट को बनाए रखना कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती साबित होने लगा है। तो दूसरी तरफ दूसरी कंपनी किसी कर्मचारी को तोड़ने की कोशिश ना करे, इसलिए कई कंपनियों ने अब गार्डन लीव पॉलिसी शुरू कर दी है। क्या है ये पॉलिसी, देखिए निधि राय की ये रिपोर्ट। गार्डन लीव पॉलिसी यानी कंपनी छोड़ने के बाद कोई कर्मचारी एक तय वक्त तक दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता है। पहले ये पॉलिसी सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों में ही प्रचलित थी, लेकिन अब कई कंपनियां ऐसे करने लगी हैं। इसके अलावा सिर्फ ऊंचे पदों पर काम करने वालों के लिए कंपनियां इसका इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ये मिडिल लेवल कर्मचारियों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई और कंपनियां भी ऐसा ही करेंगी। FMCG हो गया, सर्विसेज हो गया, कंज्यूमर हो गया, यहाँ पर ये ज्यादा होगा। मैन्युफैक्चरिंग में अभी ये नहीं है ज्यादा, कंसल्टिंग में पॉपुलर, तो और कई इंडस्ट्रीज को करेंगे, एनर्जी सेक्टर ये भी करेंगे। हालांकि जानकारों का एक कहना है कि गार्डन लीव पॉलिसी कानूनी तौर पर सही नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से इसे कानूनी मान्यता नहीं है। कंपनी अपने कर्मचारी को नोटिस पीरियड पूरा करने को तो कह सकती है, लेकिन एक बार कर्मचारी ने कंपनी छोड़ दी उसके बाद कर्मचारी को कुछ भी करने से रोका नहीं जा सकता। नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद और नौकरी छोड़ने के बाद आप उसको रोक सकते हैं, और अगर वो ऐसे नियम को कहता है कि मेरे ऊपर बाध्य नहीं है तो आप कोर्ट जाके ऐसा एनफोर्स करा सकते हैं। कानून के मुताबिक ऐसा मान्य नहीं है। टैलेंट को बनाए रखना कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन उसके लिए गार्डन लीव पॉलिसी जैसे तरीके कर्मचारियों के काम पर भी असर डाल सकते हैं। वैसे भी इस तरह की पॉलिसी में कर्मचारियों को बांधना गैर कानूनी है और वो इसे कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं। निधि राय, मुंबई। अगर आप भी ज्यादा ट्रैफिक से परेशान रहते हैं